महामारी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर किसी के दिल में डर पैदा हो जाता है और होना भी चाहिए। पिछले साल इस वायरस के कारण कितने लोगों ने कितना कुछ खोया है, इस बात का अंदाजा शायद आप और हम नहीं लगा सकते। मगर उनसे पूछिए जो घर में कैद थे, जिनके पास खाने का एक दाना भी नहीं था, वह शायद अभी भी इस वायरस के खौफ में होगा। लेकिन हम आपको बता दें, इसका डर अब फिर से बढ़ने वाला है। जी हाँ, एक बार फिर दुनिया में वायरस के फैलने की खबरें सामने आने लगी है। ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क और भारत में, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा इस वायरस का घर पॉइंट तो है, वो है कर्नाटक। लेकिन अब हम आपको एक और ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। विश्व में इस समय कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रोन की चर्चा जोरों शोरों पर है। कितना संक्रामक है यह वेरिएंट, किन किन देशों तक संक्रमण पहुंच चुका है, इसके विरुद्ध वैक्सीन कितनी कारगर हो सकती है, आदि तमाम प्रश्न हवा में तैर रही है। और इन्हीं के बीच एक रोचक सवाल पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। यह सवाल है नए वेरिएंट के नामकरण को लेकर। विश्व मीडिया के कुछ हिस्सों में चर्चा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नामकरण अब तक के प्रचलित पद्धति से हटकर किया है। खबरों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए कोरोना वेरिएंट का नाम रखने में WHO ने शी, जो अंग्रेजी वर्णमाला के X और I से मिलकर बना अक्षर है, उसका प्रयोग नहीं किया। WHO के इस कदम को चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के नाम से मिलता जुलता नाम न देने की तरकीब के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के नए प्रारूपों के नामकरण की एक व्यवस्था के तहत WHO ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों को क्रम से लेकर कोरोना के वेरिएंट का नामकरण करता रहा है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा आदि। इसी क्रम में पिछला वेरिएंट डेल्टा था, जो खासा खतरनाक साबित हुआ था। इस परिपाटी के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट का नामकरण ग्रीक वर्णमाला के अगले अक्षर नू, जो एन और यू पर होना चाहिए था, लेकिन WHO ने न केवल नू बल्कि इसके अगले अक्षर शी यानी कि X और I को भी छोड़ दिया। बस यहीं से कयासों का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही कोरोना के नए वेरिएंट B.529 के सामने आने की खबरें मिली तो चिकित्सा जगत के अधिकांश लोगों ने समझा कि WHO इसका नाम नू रखेगा। क्रम के हिसाब से यही ग्रीक वर्णमाला का अगला उपलब्ध अक्षर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। WHO ने नू के बाद आने वाले शी को भी नहीं छुआ और शुक्रवार को हुई बैठक में नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रोन रखा गया। नामकरण पर द टेलीग्राफ के वरिष्ठ पत्रकार पाल नूकी के ट्वीट को अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद डूट क्रूज ने भी रिट्वीट किया है। क्रूज ने लिखा, यदि WHO चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भयभीत है तो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की आपदा के फैलने में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठा पाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का WHO में काफी प्रभाव माना जाता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ग्रेबियसिस पे पहले आरोप भी लगे हैं कि वह चीन के दबाव में काम करते हैं। बता दें, ग्रेबियसिस अफ्रीका देश इथियोपिया से आती है, जहां चीन ने भारी निवेश कर रखा है। इसी साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने WHO के निर्णयों, जाँच प्रक्रिया और अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया था। रिपोर्ट में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को कुंद किए जाने की एक गुपचुप डील की बात भी कही गई। बता दें, वायरस के वुहान की एक लैब से निकलने की थ्योरी को WHO ने पुरजोर तरीके से नकार दिया था। तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप आदर्श भारत टीवी को फेसबुक पर देख रही हैं तो उसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।